तेल में अचार तो हम सभी ने बहुत खाया है, लेकिन आज हम ताजी सब्जियों का बहुत आसान तरीके से पानी में अचार बनाएंगे। पानी में अचार बनाने के लिए ये सारी सामग्री इकट्ठी कर लें। पानी में अचार बनाने के लिए सबसे पहले एक गर्म बर्तन में डालें 1 कप सिरका। इसमें डालें 1 कप पानी और 1/2 कप चीनी डालकर मिला दें। इसमें डालें 2 चम्मच नमक, 4 से 5 साबुत लौंग और 4 से 5 साबुत काली मिर्ची और 1 चम्मच राई डालकर मिला दें। इस मिक्सर को हमें सिर्फ चीनी घुल जाने तक ही पकाना है। करछी लगातार चलाते रहें ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। अब गैस बंद कर दें और इसमें डालें 1 छोटा फूल या तकरीबन 200 ग्राम चॉप की हुई फूलगोभी, चॉप की हुई 2 गाजर, बीज निकालकर चॉप किया हुआ 1 खीरा, पतले टुकड़ों में काटा हुआ 3 इंच अदरक का टुकड़ा, 10 से 12 छिली हुई लहसुन की कलियां और 8 से 10 ताजी हरी मिर्चें डालकर अच्छे से मिला दें। इन सब्जियों को हम इसी गर्म पैन में थोड़ी देर रहने देंगे, जब तक पानी ठंडा ना हो जाए। तकरीबन 12 से 15 मिनट के बाद जब पानी ठंडा हो जाए, तब हम अचार को एक जार में डालकर स्टोर करेंगे। इस बिना तेल के अचार को हमें कोई धूप लगवाने की जरूरत नहीं है। इसे हम बंद जार में तकरीबन 1 दिन के लिए किचन में ही रख देंगे, ताकि सब्जियां अच्छे से लिक्विड अब्सॉर्ब कर लें। तकरीबन 1 दिन स्टोर करने के बाद हम इस अचार को सर्व कर सकते हैं। इस पानी के अचार को हमें फ्रिज में स्टोर करना है और ये 2 महीनों तक खराब नहीं होगा। इस मज़ेदार और आसान पानी के अचार को किसी भी रोटी, परौंठी या पूरी के साथ सर्व करें, ये बहुत टेस्टी लगेगा। तो कैसी लगी आज की ये डिफरेंट सी रेसिपी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे दिया लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और रोज एक नई रेसिपी वीडियो देखने के लिए साथ दिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आप मेरी हर नई वीडियो जरूर देख पाए। धन्यवाद।